एफबीटी न्यूज पर पेश है श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की टॉप 10 खबरें। गायत्री मंत्र जाप के समापन पर हवन सामग्री नहर में विसर्जन करते समय एक युवक नहर में डूब गया। नहर में गिरे युवक के ताऊ और पंडित को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की नहर में तलाश शुरू कर दी, लेकिन दोपहर तक शिवम का कुछ भी पता नहीं चल पाया। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी पुलिस थाना क्षेत्र के गांव शेरेका में बीती रात एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह होने की वजह से अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद पति फरार हो गया। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने आज सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। SI ओम प्रकाश सुथार ने बताया कि मृतका रोशनी देवी अपने पति के साथ शेरेका में अपने पिहर में रहती थी। रॉक सेफ्टी फ्लेक्सिबल स्क्रीन गार्ड अब मोबाइल स्क्रीन और भी ज्यादा सुरक्षित, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध। बोलेरो जीप में सवार होकर अपने ससुराल से वापस अपने गांव जा रहे एक युवक पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। घटना एक सप्ताह पहले की है। पुलिस ने अज्ञात युवकों पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार घरसाना मंडी के गांव रोजड़ी के निवासी अजमेर खान ने रिपोर्ट दी कि 19 सितंबर की रात को करीब 10 बजे वो अपने ससुराल जालवाली से बोलेरो जीप लेकर अपने गांव जा रहा था। रास्ते में धांधू चौराहे पर बोलेरो जीप लेकर खड़े 4-5 युवकों ने उसे रुकने का इशारा किया तो उसने अपनी जीप को धीरे कर दिया। उसे कुछ अप्रिय घटना होने का अंदेशा हुआ तो उसने जीप को रोकने के बजाय तेजी से भगा लिया। इस पर बोलेरो सवार युवकों ने उसका पीछा किया और जीप पर फायरिंग कर दी। श्रीगंगानगर क्षेत्र में रबी फसलों की बिजाई की तैयारी किसानों ने शुरू कर दी है। 5 अक्टूबर के बाद बिजाई शुरू होगी। नहर विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। 30 सितंबर को रबी फसलों को दिए जाने वाले पानी का हिस्सा तय होगा। खरीफ में 4 समूहों में पानी देने का संकेत साफ है कि रबी में भी किसानों को 4 समूहों में पानी मिलेगा, लेकिन इस पर अंतिम मुहर 30 सितंबर को जल संसाधन विभाग की जल परामर्शदात्री समिति की हनुमानगढ़ में होने वाली बैठक में लगेगी। हनुमानगढ़ के एक युवक का शुक्रवार को बीकानेर के PBM हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में मरीज के पेट में अखबार के टुकड़े मिले, जिसे देखकर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों की टीम भी आश्चर्यचकित रह गई। जानकारी के अनुसार 25 साल के एक युवक के पेट में दर्द की शिकायत थी। युवक को लेकर परिजन शुक्रवार को बीकानेर के PBM के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां डॉक्टर मनोहर लाल ने अल्ट्रासाउंड और अन्य जांचें की तो पता चला कि रोगी की आंत फटी हुई है और खून की कमी है। डॉक्टर ऐसे में रोगी को खून चढ़ाकर फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए। वहां जांच में पता चला कि रोगी की आंत तकरीबन 1.5 इंच फटी हुई थी और आमाशय में छेद भी था। छेद को चेक किया तो कचरा टाइप कुछ बाहर निकला था। कचरे को बाहर निकाला गया तो पेट में तैरते हुए अखबार के टुकड़े निकले। लसिंगपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण शनिवार को किया गया। श्रीगंगानगर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी विष्णु स्वामी और उनके साथ पदमपुर ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दिनेश रस्सेवट ने विद्यालय का सघन निरीक्षण किया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी विष्णु स्वामी ने बताया कि विद्यालय में सुबह करवाई जा रही प्रार्थना का जायजा लिया गया। नोहर में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक राजीव उर्फ राजेश, जो कि हरियाणा का रहने वाला है, उसके पिता धर्मवीर की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पिता ने पुलिस को बताया कि राजेश उर्फ राजीव यहां नोहर में रहता था। उसने आत्महत्या क्यों की इसकी जानकारी नहीं है, कारण अज्ञात है। हनुमानगढ़ जिले के खुनिया पुलिस थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम को 2 बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक प्रभुराम मेघवाल, जो कि एलनाबाद हरियाणा का रहने वाला था, उसके बेटे पप्पूराम मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि उसका पिता प्रभुराम बाइक लेकर खुनिया की तरफ जा रहा था। यहां रास्ते में एक अन्य बाइक चालक ने उसके पिता की बाइक में टक्कर मार दी और हादसे में उसके पिता की मौत हो गई। रॉक सेफ्टी फ्लेक्सिबल स्क्रीन गार्ड अब मोबाइल स्क्रीन और भी ज्यादा सुरक्षित, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध। श्रीगंगानगर बार संघ के नेतृत्व में वकीलों ने शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी वर्क सस्पेंड रखा। धरना प्रदर्शन के बाद वकीलों ने नारेबाजी की और पुलिस कार्यशैली पर रोष जताया। इस बीच विवाद निपटारे के लिए बार संघ से सोमवार को वार्ता प्रस्तावित है। बार संघ अध्यक्ष जसवीर मिशन ने बताया कि वकीलों ने आज सुबह 11 बजे से 1 बजे तक DJ कोर्ट के पार्क में धरना प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ जिले में अलग अलग पुलिस थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग युवतियों के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। नोहर और महिला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। नोहर पुलिस के अनुसार पीड़िता की मां की रिपोर्ट राकेश और सुरेंद्र के खिलाफ यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच भादरा के CO को सौंपी गई है। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।